उपाध्यक्ष महोदय, भारत के लोग एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। इस देश की विशालता, विविधता तथा विकास के अनेक स्तरों के कारण एक छोटा सा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आप जानते हैं कि स्वयं आपके राज्य में कितनी विविधता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप आंध्र प्रदेश की ही विशिष्ट समस्याएं मानते हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, और किसी भी राज्य को वास्तविक रूप में विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता। विकसित और पिछड़ा शब्द सापेक्ष में होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। जब तक हम इस दुश्मन को नहीं पछाड़ लेते, हमारा देश यथार्थ रूप में सबल नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे गरीबी कम हो और विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विषमता दूर हो। भूमि सुधार किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसे बड़ा क्रांतिकारी उपाय मानते हैं, लेकिन जो देश पूंजीवादी विचारों एवं पद्धतियों को अपनाए हुए हैं, उन्हें भी भूमि सुधारों को प्राथमिकता देनी पड़ी है। उदाहरण के लिए, जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमरीकी शासन के अधीन आया, तो अमरीकियों ने भूमि सुधार लागू करने का पहला काम किया और वे सुधार हमारे यहाँ की अपेक्षा कहीं आगे बढ़कर थे। उनका यह अनुभव था कि उन सुधारों को लागू करने के बाद जापान के किसानों की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। जब भूमि की उत्पादकता और उसमें किसान की दिलचस्पी तथा निजी भागीदारी कहीं ज़्यादा हो गई। ईरान एक और देश है जिसे किसी भी प्रकार से समाजवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ भी शाह को भूमि सुधार लागू करने पर विवश होना पड़ा है। यह उन सभी देशों के मामले में सच है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी पद्धति क्यों ना अपनाएं। कांग्रेस तो स्वाधीनता से पहले ही भूमि सुधारों के प्रति वचनबद्ध थी, लेकिन कुछ कारणवश यह कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया और मेरी समझ से हमने इस कार्यक्रम को लागू करने में शिथिलता दिखाई। इसलिए हमें हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्र की काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे यहाँ लोकतंत्री व्यवस्था है, और मैं कहूँ तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र परक है, और कहीं भी सरकार विपक्ष की राय जानने, उससे बातचीत करने और अपने साथ अधिक से अधिक व्यक्तियों तथा दलों को लेकर चलने का इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करती। संसद और राज्य विधान मंडलों में हमारा जितना बहुमत है, उसे देखते हुए हम विवश नहीं हैं कि ऐसा करें, लेकिन भारत में बहुत तथा हमारे प्रति लोगों के विश्वास के बावजूद हमने यह परंपरा जारी की है कि जितना अधिक संभव हो अन्य पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। निसंदेह यदि विपक्ष हमसे अपनी नीतियों को छोड़ देने को कहे तो हम वैसा नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। मैं यह भी कह रहा हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था,
और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। अध्यक्ष महोदय, इस सीमा में रहते हुए हम उनसे हमेशा मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यथासंभव अधिक से अधिक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अखबारों में हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए खबरें आदि छपती हैं कि हम निरंकुश हैं, तानाशाह हैं। यदि ये आरोप सच्चाई से इतनी दूर हैं कि उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान करती है वह यह है कि जब लोग इस बारे में सच्चाई की इतनी ज़्यादा उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अन्य मामलों में सही मूल्यांकन हम दे सकेंगे। जो अधिकांश समाचार पत्र या कुछ राजनैतिक दल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका पिछले तमाम वर्षों में भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का क्या आकलन रहा है? हम कह नहीं सकते कि उनका आकलन एक बार भी कभी ठीक रहा हो, क्योंकि उनकी सोच हमेशा ही शासकों के प्रति ऐसी रही है, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने विचारों और पूर्वाग्रहों के दायरे में ऐसे बंध गए हैं कि वे अपने रंगीन चश्मे उतारकर चीज़ों को सही रूप में देख ही नहीं पाते। मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी शिमला सम्मेलन और वहां हुए समझौते की चर्चा की। स्वाभाविक है कि जब सरकार कोई निर्णय करती है या किसी विशेष नीति पर चलती है तो इसलिए कि सरकार सोच विचार के बाद आश्वस्त होती है कि वह नीति देश के हित में है। अगर हमें यह ना लगता कि उस समझौते से देश के लिए कुछ भलाई होने वाली है तो हम उसे ना करते। अपने आप में वह समझौता एक शुरुआत से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत की समग्रता में समस्या इतनी विकराल है कि हम जो भी करें, जो भी कदम उठाएं, वह एक आरंभ ही हो सकता है। समझौते का आकलन करते हुए हमें देखना होगा कि हम भविष्य में क्या चाहते हैं, टकराव की नीति या शांति की, क्योंकि भारत की नीति हमेशा ही शांति की नीति रही है। हमने किसी और देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं की है, और जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो भी मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हम पाकिस्तान की एक इंच ज़मीन भी नहीं हथियाना चाहते। हमारे पास अपनी ही यथेष्ट ज़मीन है, हमारी अपनी ही जनसंख्या काफ़ी है, हमारी अपनी ही पर्याप्त समस्याएं हैं। हमारी इच्छा यह नहीं है कि हम औरों की ज़मीन हड़पें, औरों को कब्जे में लें या और समस्याओं से उलझें। हमारा विश्वास विभाजन में नहीं था। जब कांग्रेस ने उसे एक अनिवार्य बुराई मानकर स्वीकार किया था तब भी हमने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि हमारे समस्याएं सुलझेंगी नहीं। हमने कहा था कि कोई भी राष्ट्र केवल किसी धर्म के आधार पर जीवित या एक नहीं बना रह सकता। इतिहास ने इसकी सच्चाई को साबित कर दिया है। अमीरी की रेखा निश्चित करने का सीधा सा अर्थ है कि अंधाधुंध खपत और उपभोक्तावाद पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए कोई कानून सरकार को लाना चाहिए और उस कानून पर बड़ी कड़ाई के साथ अमल करना चाहिए।